कब तक ले हम झेली, कहाँ तक ले झेली, हमरा के कमजोर समझ के, दलित समझ के हमरा के एकदम इग्नोर कर दिलो बगहा जिला। बीजेपी एमएलए भागीरथी देवी ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। जब हम कोई है ये ना, हम दलित समझ के लोग छाटा था लोग, तो हम वो हमारा पद ना चाहिए। कहा, दलित होने के कारण नहीं सुनी जाती है बात। बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। भागीरथी देवी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलित होने के कारण संगठन में मेरी बात नहीं सुनी जाती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बगहा जिले में संगठन में भी हमारी कोई पूछ नहीं है। हम सच्चा ईमानदारी पर, सही के लेके, ईमानदारी के लेके हमरा के जनता आज 5 साल से जितावत आ रहा है, और जनता के सेवा में हम कुछ कमी ना करें तब हमरा के जनता लेके चले ला लोग, हम वो लोग के भगवान समझता नहीं। लेकिन मजबूर हमरा ये हो गई बनी कि जब से बगहा जिला है ना, तब से हमरा के एकदम इग्नोर करके, माने हमरा के मक्खी के तरह बीग के, हमरा के एकदम माने दलित समाज के एकदम अलग छांट के, माने कोई कोई कुछ बात ना करे। चुनाव के समय में भी हमरा साथ दुर्व्यवहार करे लोग। पश्चिमी चंपारण की रामनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बताया कि वे राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति से इस्तीफा देंगी। क्या फैसला लिया है? फैसला ये है, मैंने प्रदेश कमेटी से, प्रदेश से राष्ट्रीय कमेटी बा, दुख में हम बानी, दोनों के हम इस्तीफा दे रहे बानी। जब हम कोई है ये ना, हम दलित समाज के लोग छाटा था लोग, तो हम वो हमारा पद ना चाहिए। हम भाजपा में बानी, भाजपा में बना रहे, नरेंद्र मोदी भगवान बड़न, उनकरा के भगवान के तरह पूजा, हमारा ऐसा दलित के इतना बड़ा पद दिले, आज हम खराब रहती, आज हम उसन रहती, तो हमारा पद्मश्री ना मिला रहे। पद्मश्री बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने कहा कि बगहा जिला संगठन में दूसरे दल के लोगों को मदद पहुंचाने वालों की पूछ होती है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बड़ा आरोप लगाया, साथ ही कहा कि मेरी परेशानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि दलित समझ कर मुझे परेशान किया जाता है। हम मजबूर होकर दलित होके, आज दलित का कोई इज्जत नहीं के बगहा जिला में। कौन कर रहा है? कौन कमेटी बगहा जिला, बगहा जिला अब कैसे हम कह दी कमेटी सोचे हो गई तो हो गई। बगहा जिला मैंने कमेटी सब वही में ना लोग, हाँ बीजेपी के, मैंने हमरा के एकदम मक्खी की तरफ बिक के वो लोग चले ला लोग, कोई इज्जत प्रतिष्ठा हमारा ना मिले। वही मजबूरी हम कहनी है की हम प्रदेश अध्यक्ष, मान प्रदेश अध्यक्ष के लगे भी खबर कहीं नहीं, उहो लग संतावना दे हलो, कोई हमार निर्णय ना भइल, कोई सुनवाई ना भइल। प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी बात नहीं मान रहे ना, माने तो बात माने के हमरा संतावना देले रहनी साल भर पहले, लेकिन फिर भी फिर वो दशा फिर हमरा साथ होके होए वाला बा कि फिर हम कब तक ले हम झेली, कहाँ तक ले झेली, हमरा के कमजोर समझ के, दलित समझ के हमरा के एकदम इग्नोर कर दिलो बगहा जिला। गौरतलब है कि बीजेपी की महिला विधायक द्वारा पार्टी पर इस तरह के आरोप से संगठन के लोग सकते में हैं। पार्टी की दलित महिला विधायक की ओर से उठाए गए कदम ने संगठन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले पर पार्टी का कोई नेता कुछ भी कहने से बचता दिख रहा है। वहीं सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली पार्टी अपने महिला विधायक के इस कदम से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। हम सच्चा ईमानदारी पर, सही के लेके, ईमानदारी के लेके हमरा के जनता आज 5 साल से जितावत आ रहा है, और जनता के सेवा में हम कुछ कमी ना करें तब हमरा के जनता लेके चले ला लोग, हम वो लोग के भगवान समझता नहीं। लेकिन मजबूर हमरा ये हो गई बनी कि जब से बगहा जिला है ना, तब से हमरा के एकदम इग्नोर करके, माने हमरा के मक्खी के तरह बीग के, हमरा के एकदम माने दलित समाज के एकदम अलग छांट के, माने कोई कोई कुछ बात ना करे। चुनाव के समय में भी हमारा साथ दुर्व्यवहार करे लोग। बता दे कि भागीरथी देवी पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में ब्लॉक विकास कार्यालय में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी, जिसके लिए उन्हें 800 रुपए वेतन मिलता था। वह बिहार के नरकटियागंज के एक गरीब परिवार से हैं।
उन्होंने अपना पहला चुनाव 2000 में नरकटियागंज विधानसभा से लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2005 में भी चुनाव जीती। साल 2010 में परिसीमन बदला और नरकटियागंज सामान्य सीट हो गया। इसके बाद उन्होंने रामनगर सीट से चुनाव लड़ा और तब से वहां की विधायक हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।